So can you all see my screen? क्या आप लोग यस देख? मैम। जी सर। सो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, आज हम जो मैथमेटिक्स का जो टूल है जियोजेब्रा, जिसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस सेशन जो वर्चुअल लैब जो सेशन था उसमें हम देख चुके हैं, तो उसी के साथ साथ इसके और भी जो टूल्स हैं, और थोड़ा सा आज हम एक्टिविटी बेस्ड रखेंगे। हम मोस्टली जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं आज हम जियोजेब्रा के थ्रू सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वेरियस टॉपिक्स जो हम सेकेंडरी लेवल या फिर हायर सेकेंडरी लेवल में देख पाते हैं, वो टॉपिक्स आज हम डेमोन्स्ट्रेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, आई कैन सी सम मैसेजेस इन चैट बॉक्स। ओके, यस मैम। ओके, सो सॉफ्टवेयर जो है हम जो आज एक्सप्लोर करेंगे वो है जियोजेब्रा। सो व्हाट इज जियोजेब्रा? सर, अटेंडेंस लिंक जो है अभी आपको सेशन के बाद दिया जाएगा, क्योंकि अभी ब्रेकआउट रूम्स हैं तो सब लोगों को अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग इस सेशन के बाद, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशन के बाद अटेंडेंस लिंक शेयर करेंगे। सो व्हाट इज जियोजेब्रा? जियोजेब्रा एक डायनेमिक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर है जो कि टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स के लिए यूज किया जाता है, एंड इसके साथ साथ इसको हम डिफरेंट लेवल्स जो है एजुकेशन के उसमें लेकर आ सकते हैं, जिसमें ये काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं। और वो जो टॉपिक्स हैं वो है ज्योमेट्री, एलजेब्रा, स्प्रेडशीट्स, ग्राफिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड कैलकुलस। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम जियोजेब्रा में कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं और इसके फीचर्स। सो फर्स्ट जो इसका यूज है कि ये बेसिकली क्रिएट किया गया है ताकि बच्चों की बेटर लर्निंग में इनको हेल्प कर सके, और इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके क्लासरूम में और अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सके। सेकेंड जो है इसका यूज, वी कैन यूज इसका एक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। तो अभी आज हम देखेंगे कि एक प्रॉब्लम जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोजेब्रा, और सेम ऐसे ही प्रॉब्लम जो है आप क्लासरूम में बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। एंड थर्ड इज प्रैक्टिस द मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो आज हम और डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उससे जो न्यू डिस्कवरीज आती हैं, न्यू प्रॉपर्टीज आती हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। एंड कुछ इसके अंदर जैसे रेडी टू यूज एप्लेट्स हैं, यानी रिसोर्सेज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासेस में। लास्ट जो इसका फीचर है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन विंग द एनिमेशन एंड सिमुलेटर्स। तो जैसे कि आपको बताया गया इससे पहले सेशन में कि वर्चुअल लैब्स में हम सिमुलेशन देखते हैं, कुछ एनिमेशन देखते हैं, तो ये सब एनिमेशन एंड सिमुलेशन के लिए हम जियोजेब्रा का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बीच में अपने आप को अनम्यूट करके डाउट क्लियर कर सकता है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ जियोजेब्रा। तो जियोजेब्रा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको ये जो लिंक दिया हुआ है उस पे आप क्लिक करके तो नहीं इसमें कर पाएंगे, आप उसको जस्ट टाइप करिए क्रोम में जाके www.geojebra.org। तो इसका जो ऑनलाइन वर्जन है वो भी हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके भी जियोजेब्रा का यूज कर सकते हैं। तो जब हम जियोजेब्रा ओपन करेंगे, बेसिकली हम जियोजेब्रा क्लासिक यूज करते हैं, और उसका जो होम पेज है आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो एल्जेब्रिक विंडो, यानी आपकी जो भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस होंगी वो सारी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पे रिफ्लेक्ट होंगी, एंड जो भी आपका ग्राफिकल एंड ज्योमेट्रिक पार्ट होगा वो राइट हैंड साइड विंडो पे शो होगा। इसी के साथ साथ इसके ऊपर आप जो देख पा रहे हैं ये टूल बार है, ये डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आप इनको यूज कर सकते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ जियोजेब्रा अगर हम बात करें तो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका वो है ग्राफिक का कंपोनेंट, जिसमें आप वेरियस फंक्शंस हैं वो प्लॉट कर सकते हैं एंड जो इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ज्योमेट्री। आप अपनी कोई भी एक्टिविटी जो है उसको और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। ज्योमेट्रिकल पार्ट इजीली बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लासरूम में, जो हम थोड़ा सा इमेजिनरी बताते हैं, या फिर 2 डायमेंशनल प्लेन या 3 डायमेंशनल जो है बच्चों को इजीली ब्लैक बोर्ड पे नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो वो हम सब जियोजेब्रा के थ्रू करवा सकते हैं। इसमें जियोजेब्रा क्लासरूम भी होता है, तो आप बच्चों के साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। 3D ग्राफिक्स है, जो 3D व्यू हम बच्चों को फ्रंट व्यू, बैक व्यू या साइड व्यू, जो हम बच्चों को इमेजिनरी दिखा पाते हैं या सिर्फ एक एग्जाम्पल ले पाते हैं, तो ये प्रॉपर इसमें 3D ग्राफिक्स की हेल्प से बच्चा जो है उनको क्लियर कर सकता है। आगे है CAS CAS, जिसमें हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें काफी पावरफुल आपका कंप्यूटर एल्जेब्रिक सिस्टम होता है, कैलकुलेटर होता है, जो आप यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स बेसिकली यूज की जाती है कोई भी डेटा जो होता है उसको एनालाइज करने के लिए, या फिर स्टेटिस्टिक्स प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली अगर हमें कोई पैरामीटर्स विजुअलाइज करवाना है तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी का यूज, यानी हम जियोजेब्रा का यूज कर सकते हैं। ओके, नॉइस, वॉइस इज नॉट क्लियर। सो वॉइस क्लियर नहीं है, सभी को प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कोई अनम्यूट करके बता दीजिए। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। ओके, क्लियर है मैडम, इट्स बिल्कुल। क्लियर। जी सर, तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो इसी के साथ साथ आप लोग www.geojebra.org जो है उस पे क्रोम पे खोलेंगे और हम आज ये एक्टिविटीज करेंगे। तो काफी सारी एक्टिविटीज आज मैंने शॉर्टलिस्ट मैम ये करी है, क्योंकि डेस्कटॉप पे खोलना है या मोबाइल्स में खोलना है? सर डेस्कटॉप हो तो ज्यादा अच्छा है, सर क्लियर विंडो आता है उसमें, आप क्लियरली उस एक्टिविटी को भी कर पाएंगे। फिर ट्राई कीजिए कि आप सिस्टम पे ही ऐसे करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। जी, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जियोजेब्रा के हम देख पाएंगे कि बेसिकली कहाँ हम यूज कर सकते हैं, कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है उसको विजुअलाइज करवाना तो हम जियोजेब्रा का यूज कर सकते हैं, या कोई रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो इसके साथ साथ ये जो जियोजेब्रा ज्योमेट्री विंडो है, जिसमें हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है ग्रिड एक्सिस जो है सब रिमूव कर रखे हैं, ओनली ज्योमेट्रिकल पार्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये जैसे पैराबोलिक इक्वेशंस हो गई, इनकी प्रेजेंटेशन है। एंड इसके साथ साथ जियोजेब्रा 3D व्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्फेयर है और हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब हम जियोजेब्रा के थ्रू ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये स्प्रेडशीट्स हमने यहाँ क्रिएट की गई, यानी बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस जियोजेब्रा, सो बेसिकली इट इज अ वेरी इजी टू यूज इंटरफेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स मेनी फीचर्स, लाइक वी कैन क्रिएट मेनी रिसोर्सेज एंड वी कैन मॉडिफाई द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो होते हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और सेम वही जो रिसोर्सेज हैं आप शेयर कर सकते हैं विद द HTML लिंक, जैसे कि सर ने भी बताया था कल, वैभव सर ने भी आप लोगों को क्लियर किया था। अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन हमारे पास एक लिंक जो है वो प्रोड्यूस होगा, एंड वो लिंक कॉपी करके आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, डायनेमिक मैथ्स का सॉफ्टवेयर है दैट ब्रिंग्स टुगेदर द टेबल्स, ग्राफिक्स, ज्योमेट्री, ये सारी ही चीजें हमें एक ही पैकेज में मिल सकती हैं। सो डेमोन्स्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, और इसके साथ साथ मैं आगे भी आपको थोड़ा सा वर्चुअल लैब्स का भी बताऊंगी, जो कि दीक्षा पे अवेलेबल है बेसिकली फॉर मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, सो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जस्ट अ मिनट।
सो आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? यस मैम। जी, सो हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे www.geogebra.org, नोरा। सो जियो नेब्रा आ चुका है। इसी के साथ साथ आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे ये जो होम पेज है जियो जेब्रा का, फॉर टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स के लिए, तो आप लोग यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। सो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन है, तो आप लोग जो न्यू यूजर्स हैं उसको लॉग इन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अपने गूगल अकाउंट से इसको ओपन कर सकते हैं लिंक करके। सो ऐसा करने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि ये एक होम पेज आ जाएगा जियो जेब्रा का। सो जियो जेब्रा के होम पेज के साथ साथ हम थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं कि काफी सारे रिसोर्सेज हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ये जो टेबल है उसमें न्यूज फीड और रिसोर्सेज हैं। सो इन्हीं रिसोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन टॉपिक्स दिखेंगे जो बेसिकली इसमें कवर्ड है। उसमें है टॉपिक्स एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, नंबर सेंस, ऑपरेशंस, प्रोबेबिलिटी। सो इन पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे अगर हमें जाना हो तो वो हम जा सकते हैं। जैसे एलिमेंट्री लेवल तक उन्होंने कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं, एंड मिडिल स्कूल के लिए उन्होंने एलजेब्रा का कौन सा पार्ट लिया है, ये सब इसमें कवर्ड है। तो आज हम एक मिडिल स्कूल की एक एक्टिविटी करेंगे जो कि हमारी बेसिकली इक्वेशंस है एक एक्सक्यूज हम मी एल मैम जी सर मैम ये लॉग इन करना जरूरी है? साइन इन, सॉरी। जी सर साइन इन करना जरूरी है क्योंकि तभी आपके पास विंडो आएगी। अच्छा ठीक जी सर है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से टॉपिक्स जैसे ले सकते हैं, तो इसमें रेडी टू यूज काफी सारे टॉपिक्स हैं। जैसे ज्योमेट्री का अगर हम देखें, कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी, तो यहाँ पर एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइन। सो ऑलरेडी यहाँ पे जैसे टॉपिक्स हैं जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे की, अगर बच्चों को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर फिगर्स अगर हमें टॉपिक क्लियर करवाना है, तो ये हम प्रैक्टिस जो है कि शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। और आप लोग चाहें तो अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जैसे कि आजकल थोड़ा सा दिल्ली में पॉल्यूशन हो ही रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में भी ये काफी यूजफुल है। आप जियो जेब्रा क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ बच्चों के साथ और उसका लिंक शेयर कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप उन बच्चों के साथ ये टॉपिक्स, कॉन्ग्रेंसी का जो टॉपिक है हमारा, मैथमेटिक्स का जो बेसिकली बच्चों को क्लियर नहीं होता है, वो यहाँ पे आप क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। सो काफी यहाँ पे रेडी टू यूज एम्पलेट्स हैं जो आप अपनी क्लासरूम टीचिंग में यूज कर सकते हैं। तो जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतने ही टॉपिक्स आप खुद से कवर कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि मिडिल स्कूल में भी हैं काफी सारे नंबर सेंस से रिलेटेड हैं, ऑपरेशंस हैं, सो वेरियस टॉपिक्स आर देयर। सो इसी के साथ साथ हम वापस होम पेज पे आते हैं। सो होम पेज पे जहाँ आप राइट हैंड साइड टॉप पे अगर आप देखेंगे, ये जो डॉट्स आपको नजर आ रही है, उन डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो ऑप्शंस आएंगे वो आएगा ज्योमेट्री, 3D कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, नोट्स, एंड जो लास्ट वन है वो है जियो जेब्रा क्लासिक। सो जियो जेब्रा क्लासिक में आप अपने खुद के सिमुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो आज हम वही सीखेंगे कि अगर हम कोई एक्टिविटी है हम खुद बच्चों को एक्सप्लेन करना बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जियो जेब्रा क्लासिक जो है ये ओपन हो चुकी है विंडो। सो इस विंडो को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि इसका यूज हम कर पाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे इस ग्राफ में, उसकी एक जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशंस या पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होते रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि आपका एलजेब्रिक पार्ट है सारा। राइट हैंड साइड पे जो भी आप ग्राफिकली वर्क करेंगे वो आपको शो होगा। देखिए टॉप पर, तो ये जो टूल्स हैं उसमें फर्स्ट जो है मूव का ऑप्शन है। अगर हमें कोई भी फिगर मूव करनी है तो हम इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अगर हमें फ्री हैंड शेप चाहिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ्री हैंड शेप पे हमने किया तो यहाँ हमने एक फ्री हैंड शेप जो है वो क्रिएट कर ली है। साथ पेन का हम यूज कर सकते हैं। प्लीज आप लोग अगर कोई किसी का कोई सवाल नहीं है तो प्लीज अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। जी देख पा रहे हैं किसी की वॉइस आ रही है यहाँ पर?
जी थैंक यू सर। सो सेकंड जो टूल है वो है पॉइंट, या फिर अगर हमें कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है तो इसका हम यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मिड पॉइंट या सेंटर हमें चाहिए तो टू पॉइंट्स क्रिएट करने के बाद हम बीच में जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो एग्जैक्टली उसका मिड पॉइंट होगा। सो ये काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनका आज हम यूज करेंगे। एक लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उसके साथ साथ आप लोग देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक कलर का जो एक बॉक्स आता है उसमें इंस्ट्रक्शंस आती है कि अगर आपको लाइन क्रिएट करनी है तो वो कैसे करनी है। हम लोग उस इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे एंड देन वी विल क्रिएट अ लाइन, राइट। लाइक सेगमेंट पे मैंने क्लिक किया तो सेगमेंट के लिए मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि वी हैव टू सिलेक्ट द टू पॉइंट्स और पोजिशंस। सो उसके लिए आपको टू पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, देन वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ठीक, सो सेगमेंट विद गिवन लेंथ का मतलब ये है कि अगर आपको एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहते हैं जिसकी लेंथ आप ऑलरेडी देना चाहते हैं, लाइक आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप सेगमेंट विद गिवन लेंथ का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ देख पाए, इस पे क्लिक करते हैं तो सेगमेंट विद गिवन लेंथ के लिए हमें एक पॉइंट, फर्स्ट जो हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर हमें अगर सेगमेंट विद गिवन लेंथ चाहिए तो उसके लिए हम एंटर द लेंथ, तो हम लेंथ एंटर करने के लिए मान लीजिए हमने 7 सेंटीमीटर की, यहाँ एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ऑप्शंस काफी सारे हैं। परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वी कैन ऑल्सो ड्रॉ। सो इनका हम एक एक करके फीचर्स हम थोड़े से यूज कर लेते हैं। सो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, सिलेक्ट द पैरेलल लाइन एंड अ पॉइंट। सो सबसे पहले हमें एक पॉइंट क्रिएट करना होगा यहाँ पर। जी एक्सक्यूज मी मैम, सर, ये आपने ग्राफिक कैलकुलेटर खोला है मैम? जी सर, ग्राफिक कैलकुलेटर नहीं है सर, ये जियो जेब्रा क्लासिक ओपन किया है। क्लासिक? जी सर क्लासिक, हम जितनी भी रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं हम क्लासिक पे ही करते हैं। ओके मैम। जी सर, सो जियो जेब्रा क्लासिक ओपन करने के बाद अब ये टूल्स हमने बताए हैं, तो इन टूल्स में अभी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। उसके लिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया, यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है। पैरेलल लाइंस अगर हमें ड्रॉ करनी है तो सिलेक्ट द पैरेलल लाइन एंड अ पॉइंट, तो हमें एक पैरेलल लाइन, उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट। सो एक ये लाइन, सबसे पहले हमें एक लाइन चाहिए एंड उसका पॉइंट चाहिए। सो लाइन पे हमने क्लिक किया, देन पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है। अब पैरेलल लाइन अगर हमें चाहिए, पैरेलल लाइन के लिए पैरेलल लाइन पे क्लिक करेंगे आप, सिलेक्ट द पैरेलल लाइन एंड पॉइंट, कि आपको किसके पैरेलल लाइन चाहिए और किस पॉइंट के थ्रू चाहिए, तो वो भी इसमें, तो हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट कर सकते। जस्ट अ सेकेंड, पॉइंट के ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, हम सिंगल पॉइंट लेते हैं यहाँ एक। देन लाइन, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। नाउ फॉर सेलेक्ट पैरेलल लाइन एंड पॉइंट, सो हमें एक पॉइंट और ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करना होगा। यहाँ हम एक पॉइंट लेते हैं, सो अब हम इसके पैरेलल हमने इस पॉइंट के पॉइंट सी हमने लिया है जहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, और किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन हम ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ कर चुके थे, ठीक है। अगर हमें इसी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर के लिए हमें लाइन और पॉइंट करना है। सो ये पॉइंट हो गया एंड ये लाइन हो गई, सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। एंड अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, मान लीजिए हमें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए,
So for perpendicular bisector, select the two points and then one segment. So we will, तो ये सेगमेंट ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो टेंजेंट्स अगर हमें ड्रॉ करनी है, टेंजेंट्स के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, सो टेंजेंट वाली भी एक एक्टिविटी हम यहाँ पर करेंगे अभी। सो थोड़ी सी विंडो हम क्लियर करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका पॉलीगन्स। तो अगर आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है, पॉलीगन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल द वर्टिसेस, तो पहले आपने ड्रॉ करनी है थ्री पॉइंट्स, देन पॉलीगन आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल वर्टिसेस, फर्स्ट वर्टेक्स, एंड देन इट इज अ पॉलीगन। सो अगर आपने रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करना है, रेगुलर पॉलीगन के लिए सिलेक्ट टू पॉइंट्स एंड एंटर द नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो फर्स्ट हम टू पॉइंट्स लेंगे, देन एंटर द नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो आई एम एंटरिंग सिक्स। सो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। सो इस फिगर को अगर आप चाहें तो मूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका मूवेबल फॉर्म भी ला सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे कि हम यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। रिजिड पॉलीगन, सो रिजिड पॉलीगन क्रिएट करने के लिए हम एक बार रिजिड पॉलीगन का प्रोसेस हम देख ही लेते हैं। सो रिजिड पॉलीगन के लिए नीचे इंस्ट्रक्शन है, सिलेक्ट ऑल द वर्टिसेस एंड फर्स्ट वर्टेक्स अगेन और सिलेक्ट अ पॉलीगन। सो जितने भी वर्टिसेस हैं हमें वो सिलेक्ट करने होंगे। सो बेसिकली हम रिजिड पॉलीगन ही यहाँ यूज करते हैं। आप एक एक करके वर्टिसेस यहाँ पर चूज करते रहेंगे और देन पॉलीगन आपका क्रिएट हो जाएगा। सो इट इज अ रिजिड पॉलीगन, राइट। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल विद सेंटर थ्रू पॉइंट। तो अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है विद सेंटर थ्रू द पॉइंट, तो आप एक पॉइंट ले सकते हैं एंड देन यू कैन ड्रॉ अ सर्कल, राइट। अगर आपको सर्कल चाहिए विद पर्टिकुलर रेडियस, सो सर्कल विद सेंटर एंड सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट एंड देन एंटर द रेडियस। सो आई एम सिलेक्टिंग दिस सेंटर पॉइंट एंड देन आई एम मार्किंग रेडियस एज 5 सेंटीमीटर, आई एम टाइपिंग 5। सो इट इज अ सर्कल। सो सर्कल ड्रॉ हो चुका है, तो हम इसी सर्कल की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ साथ। चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूँ किसी का मैसेज है, इज इट नेसेसरी टू टेक पॉइंट फर्स्ट। सर आप का जो क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू टेक द पॉइंट फर्स्ट, आप किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं सर? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम, जब भी हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, जी चाहे लाइन या पैरेलल लाइंस, तो एक जी रेफरेंस पॉइंट पहले हम क्रिएट कर रहे हैं। जी सर, हमें एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एक इनिशियल पॉइंट हमें चाहिए। ऐसे ही हम सर्कल भी ड्रॉ कर रहे हैं या कोई हम पॉलीगन भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो बेसिकली पैरेलल लाइंस और लाइंस के लिए ये फॉलो करते हैं कि आप एक इनिशियल पॉइंट ले लीजिए। थैंक यू मैम। जी सर। सो सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सर्कल में जैसे कि अभी हमने लास्ट जो टूल देखा था उसमें एक ऑप्शन था टेंजेंट्स का। तो टेंजेंट्स, जैसे कि हम बच्चों को सर्कल की प्रॉपर्टीज काफी बताते हैं क्लासरूम में, कि जैसे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल या एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो ये प्रॉपर्टीज हम सारी यहाँ पर जियोजेब्रा के थ्रू बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करनी है हमें। सो जैसे कि हम लोगों को भी इनके फीचर्स ऐसे एज सच लर्न नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो टेंजेंट्स के साथ साथ नीचे इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि सिलेक्ट अ पॉइंट और लाइन। आपने एक लाइन और पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट अ पॉइंट
एंड देन लाइन, जस्ट अ सेकेंड, टेंजेंट्स, एक मिनट जी, टेंजेंट्स यहाँ पर है. सो उसके लिए हमें एक पॉइंट सिलेक्ट करना है एंड देन सर्कल सिलेक्ट करना है. तो हम पॉइंट ले लेते हैं. अगर हमें टेंजेंट्स चाहिए तो हमें जो पॉइंट चाहिए होगा वो सर्कल पे चाहिए होगा. तो हमने यहाँ ऑलरेडी 2 पॉइंट्स जो है मार्क कर दिए हैं. तो पॉइंट बी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है एंड देन सर्कल. पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं टेंजेंट्स को. नाउ पॉइंट एंड सर्कल. सो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई है. चैट बॉक्स में किसी का, कैन वी ड्रॉ 3D डायग्राम? यस सर, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड एटसेट्रा. जी सर, उस पर भी आएंगे. अभी हम 3D डायग्राम्स भी क्रिएट करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग. तो ये टेंजेंट्स जो है ये ड्रॉ हो गई है. अगर आप और टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर अगर आप प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो उसके लिए हम एक एक्सटर्नल पॉइंट भी यहाँ मार्क कर लेते हैं. सो एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं एंड ये 2 पॉइंट ले लेते हैं या कुछ ऐसे. सो टेंजेंट्स अगर हमें ड्रॉ करनी है फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. टेंजेंट्स तो यहाँ हम एक ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहीं पे मार्क कर लेते हैं. हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. अब आप एक लाइन सेगमेंट ले सकते हैं. लाइन सेगमेंट के लिए आपको ए टू एफ 2 पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे. तो ये लाइन सेगमेंट बन गई है. ए टू बी आप सिलेक्ट करेंगे पॉइंट्स. पर हम बच्चों को बता सकते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे ये रेडियस हमने मार्क किया है यहाँ पर और ये टेंजेंट है जो कि इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है एफ. यहाँ हम एंगल बच्चों को समझा सकते हैं. एंगल पे क्लिक किया हमने, देन एंगल हम सिलेक्ट करेंगे. उसके लिए 3 पॉइंट्स आपको चूज करने होंगे. सो यहाँ ये एंगल आप देख पा रहे हैं कितना एंगल यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, 90 डिग्री. इट मीन्स रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट? तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड काफी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं 9th क्लास की जो बच्चों को एक्सप्लेन करनी होती है कि इनके ऑपोजिट एंगल्स का सम भी सप्लीमेंट्री है, तो वो भी आप इसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं. सो हम एक सिंपल जो हमारी है एंगल इन द सेम सेगमेंट, सो एंगल इन सेम सेगमेंट भी बना सकते हैं हम यहाँ पे. और कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं. सो सेंटर था हमारा ए, राइट? या हम न्यू ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा. सो ये ऑलरेडी हमारा सेंटर था ए, इस पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं. जी हाँ, ले लिया. फिर भी पॉइंट्स ले लेते हैं, राइट? एंगल इन सेमी सर्कल के लिए हमें यहाँ पर इसका डायमीटर ड्रॉ करना होगा. तो यहाँ डायमीटर भी बना सकते हैं हम. तो पहले हम एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं बच्चों को. तो बी टू डी आप ज्वाइन करिए. जी सर, किसी को कोई आप पी लो, मैं कमीर को क्यों भिजवाए. ठीक है, सो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सो इसके लिए अब हम भी एंगल्स बच्चों को बताएंगे कि एंगल बी सी ई. सो यहाँ पे 64.92 डिग्री शो हो रहा है. एंगल बी डी ई भी चेक कर लेते हैं हम. सो उसके लिए भी 3 वर्टिसेस हम चूज करेंगे, बी डी एंड ई. सो इट इज ऑल्सो 64.92 डिग्री. एक्चुअली दिस टाइम आई एम नॉट ऑन पीसी, सो बिकॉज ऑफ दिस आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड शो ईच एंगल इन डिग्रीज. इज दिस पॉसिबल? यस सर.
ये सर ये पॉसिबल है। आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ईच एंगल जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसमें सर्कल में ही आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे ही आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और उनके एंगल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि कल मैम ने भी सम ऑफ दी ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री प्रॉपर्टी समझाई थी, आपको भी समझा सकते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट। और इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज ऑलवेज डबल द एंगल एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो उसके लिए भी हमें सेंटर पे हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। सो ठीक है यहाँ हम ज्वाइन मैम, करते हैं सेंटर से, सेंटर पॉइंट है हमारा ए, फिर इसको ई से ज्वाइन करेंगे। सो अब हम बेसिकली यहाँ ये समझाना चाहेंगे कि एंगल बी ए ई वो ट्वाइस होगा आपका एंगल बी सी ई के। तो बी ए ई की मेजरमेंट देख लेते हैं हम, और उसकी मेजरमेंट जो है वो डबल आनी चाहिए 64.92 से। सो इसकी मेजरमेंट चेक करते हैं हम। यहाँ से डू सो अंडू 129.84। सो आप लोग देख पा रहे हैं जो कि डबल है किसका, 64.92 डिग्री का। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो यहाँ से भी अगर बच्चा ड्रॉ करेगा तो भी डबल एंगल ही आएगा। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। करे जी म्यूट कर लीजिए सर। यस जी सर, सही ना। आपने क्रिएट। ओके स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर से। इकरम, इकरम सर इट्स शोइंग क्लियरली, थैंक्स। ओके थैंक यू। मैं जी एक्चुअली पूछना सर चाहता था क्या एंगल मेंशन कर सकते हैं। तो आपने एंगल मेंशन कर दिया था, तो उसके बाद आपने मेरा क्वेश्चन देखा, इसके लिए मैं क्लियर ठीक है सर, ठीक कर। है। ओके जी मैम जी तो एक बार दोबारा से कोई एंगल जो है दोबारा से डिस्प्ले करेंगे। मुझे पता नहीं चला किस ऑप्शन से आप एंगल को चेक कर रहे जी हैं, सर एक एंगल बार के दोबारा से। लिए, जी सर एंगल के लिए आप देख पा रहे हैं जो आपका फोर्थ लास्ट टूल है और उसमें एंगल का साइन बना हुआ भी है, आप देख पाए तो उसमें जब बिल्कुल टॉप देखिए पे आप देखिए साइन देखेंगे बना हुआ है। एंगल, हाँ उस पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको थ्री वर्टिसेस चूज करने हैं। जिस पे आप एंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस पॉइंट को आप मिडल में रखिएगा। जैसे कि हम बेसिकली बच्चों को समझाते भी, अगर एंगल एबीसी की बात कर रहे हैं तो बी पे एंगल फॉर्म हो रहा है, सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोग चाह रहे थे कि हम इसका 3D व्यू, क्योंकि एक टू डायमेंशनल फिगर हमने ड्रॉ करी है, तो अगर इसका 3D व्यू भी हम देखेंगे तो वो टू डायमेंशनल ही दिखेगा। तो हम इसमें एक 3D व्यू जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आपको देख पा रहे हैं जो ट्रायंगल और सर्कल, इस पे क्लिक करेंगे आप, जहाँ पे 3 लाइंस हैं एक ट्रायंगल सर्कल, तो वहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आएंगी। इन 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा होगा ऑप्शन में 3D ग्राफिक्स। सो 3D ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे हम, तो आपकी जो सेम फिगर है उसका आप यहाँ पर 3D व्यू देख सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। सो जो भी आप क्रिएट करेंगे, अगर आप कोन बना रहे हैं या क्यूबॉइड बना रहे हैं यहाँ पे अपनी ग्राफिक विंडो पे, उसको सेम आप उसका 3D व्यू भी देख सकते हैं और बच्चों को समझा भी सकते हैं। 3D व्यू में अभी हम इसका यूज भी करना सीख लेंगे। सो पहले अभी हम इस फिगर को स्टॉप कर देते हैं जरा। जैसे कि ये क्लोज किया हमने, यहाँ पर जब आप 3D विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टूल्स जो है उनके ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं। इनको हम थोड़ा रिमूव करते हैं। तो इंटरसेक्ट टू सरफेसेस, अगर आपको टू सरफेस का इंटरसेक्शन दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं। चैट बॉक्स में एक सवाल है, इसे ग्रेट, ओके थैंक यू। ये सब आप भी कर सकते हैं सर। प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, जैसे आपके 11th 12th के जो टॉपिक्स हैं, हार्ड टॉपिक्स हैं सारे, वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर प्लेन, पैरेलल प्लेन, हमें समझाना होता है बच्चों को, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे क्योंकि इमेजिनरी आ जाता है, लेकिन यहाँ हम क्लियर कर सकते हैं जियोजेब्रा के थ्रू। सो एक हम देखते हैं यहाँ,
जैसे कि अगर अभी सवाल आया था मेरे पास कि हम कौन बना सकते हैं या नहीं, तो कौन देखते हैं उसकी क्रिएशन, कौन के लिए आप देख पाएंगे, या लेफ्ट बॉटम में आपके पास इंस्ट्रक्शन है सिलेक्ट द बॉटम पॉइंट एंड देन टॉप पॉइंट। सो अभी हमें एक बॉटम पॉइंट सिलेक्ट करना है। सो बॉटम पॉइंट मैंने जो ग्रीन लाइन है उस पे सिलेक्ट किया है, देन टॉप पॉइंट मैंने फोर जो पर्पल लाइन है उस पे सिलेक्ट किया है, एंड देन आपको रेडियस जो है टाइप करना है। तो हम 6 सेंटीमीटर का रेडियस का कोन ड्रॉ कर लेते हैं। कोन क्रिएट हो चुका है, इसको रोटेट करके आप दिखा सकते हैं बच्चों को। आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं, देख पा रहे हैं सभी। इसी के साथ साथ अगर हमें इसमें सिलेंडर भी ड्रॉ करना है, सो सिलेंडर के लिए भी वी हैव टू सिलेक्ट द 2 पॉइंट्स। सो सेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या इसके टॉप पे हम ले लेते हैं, एक 6 सेंटीमीटर का हमने सिलेंडर ले लिया, एंड 4 यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, और रेडियस हम सेम ले लेते हैं। आई थिंक मैंने 6 लिया था, 7 7 आई थिंक, तो 7 ज्यादा। ये इसमें भी आप इसका 3D व्यू देख सकते, जो को बता सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में कि ये इसका टॉप व्यू है, ये बॉटम से ऐसे है, सर्कुलर शेप है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आप समझा सकते हैं क्लासरूम में। आई थिंक क्लियर है। और देख लेते हैं हम 3D में, अगर हमें क्यूब क्रिएट करना है, सिलेक्ट करने हैं 2 पॉइंट्स, सो आई एम सिलेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स, एक आपने एक्स एक्सिस पे देन वाई एक्सिस पे। सो ये क्यूब आ चुका है। इसी क्यूब का अगर आप नेट समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। तो ये नेट यहाँ हमने बता दिया है बच्चों को, आप ये भी बता सकते हैं। तो इसका 3D व्यू बच्चों को ऐसे क्लियर कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। मैम, आप अपनी तरफ से वहां से म्यूट ऑल कर दें। जी सर, मैंने म्यूट कर दिया है सभी को। जी, आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर नेट हमें समझाना है बच्चों को, जूनियर क्लासेस में नेट समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें अपना क्यूब क्यूबॉइड क्रिएट करने पड़ते हैं, देन हम उस बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं बच्चों को, बट यहाँ हम इजिली जियोजेब्रा के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, क्यूब एंड पिरामिड भी आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रिज्म क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन उनका आप नेट भी बच्चों को दिखा सकते हैं। चैट बॉक्स में जी, थैंक यू। इसके साथ साथ एक और हम एक्टिविटी करते हैं, वापस हम ग्राफिक्स पे आते हैं। ग्राफिक्स में हम और फीचर्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक और टॉपिक मैंने आज हम देखेंगे जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हम एक टॉपिक अगर हमें लिखना है यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए, सबसे पहले हम ABC टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देन आप ग्राफिक विंडो पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, या हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल, और हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर x², यानी हम सॉल्व करना बता रहे हैं बच्चों को कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना सकते हैं। सो x², सो स्क्वायर के लिए आप यहाँ पे लेटेक्स फॉर्मूला या फिर एडवांस में जब आप जाएंगे तो एडवांस में आपको यहाँ दिखेंगे ऑप्शंस अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे स्क्वायर है क्यूब है,
सो स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर आ चुका है। देन आप प्लस साइन पे भी क्लिक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू। ठीक, सो ओके पे क्लिक कर देते हैं हम यहाँ। सो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आ चुका है हमारी हेडिंग हेडिंग पे। इसको अगर आप और इसका फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। यहाँ पे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को हम और इंक्रीज कर सकते हैं, या स्मॉल से हम मीडियम ले सकते हैं। ओके सो टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। अभी हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू कैसे हम क्लासरूम में जियोजेब्रा के थ्रू करवा सकते हैं, देख पाएंगे, या फिर रिसोर्स अगर आपको क्रिएट करना हो। तो सबसे पहले जैसे कि हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ स्क्वायर विद एक्स लेंथ, और एक्स की जो यूनिट्स हैं वो हम फिक्स कर लेते हैं, लाइक थ्री यूनिट्स हम ले लेते हैं। देन वी हैव टू क्रिएट थ्री रेक्टेंगल्स एंड देन टू इंटू वन, इट मीन्स वी हैव टू क्रिएट टू स्क्वायर्स, राइट। सो फर्स्ट हमें एक स्क्वायर क्रिएट करना है जिसकी जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है वो हमें एक्स लेनी है। तो एक्स हम ले लेते हैं थ्री यूनिट्स। सो एक स्क्वायर अब हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर के लिए हम एक रिजिड पॉलीगन पे क्लिक करते हैं। तो रिजिड पॉलीगन पे बेसिकली आपको पॉलीगन इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको उससे पहले पॉइंट्स नहीं लेने पड़ते हैं। इसमें आप वर्टिसेस सेलेक्ट करते जाएंगे एंड देन वी कैन क्रिएट अ रिजिड पॉलीगन। सो थ्री यूनिट्स हम ले रहे हैं, वन टू थ्री। सो थ्री यूनिट्स का हमने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, राइट। सो ये एक स्क्वायर है जिसकी यूनिट्स हैं एक्स, यानी थ्री यूनिट्स हैं। अब हम इसका कलर जो ऑप्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स पे जाएंगे देन कलर, कलर ऑप्शन है। सो कलर हम रेड ले लेते हैं। अगर आप इसका जो फिलिंग है अंदर और डार्क करना चाहते हैं देन इसको आगे हम स्लाइडर का यूज कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा डार्क हो जाएगा आपका। मैम, देन ये कॉस, दोबारा रिपीट करना, कलर कैसे? जी सर, कलर के लिए सर आपको ऑब्जेक्ट जो है आपका उस पर राइट क्लिक करेंगे। आप राइट क्लिक करिए तो नीचे सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स पे क्लिक करिए, फिर ऊपर टॉप पे आपके पास आएगा कलर। सो कलर हम ले लेते हैं, जो भी आपको कलर यूज करना है, जैसे येलो ले लिया है। अगर आपको एक्स्ट्रा डार्क लेना है आप उसको और ले सकते हैं। आई थिंक क्लियर है सर आपको, यस मैम, जी। सो हमारे पास फिलहाल अभी आ चुका है, ये पार्ट है हमारा एक्स एंड दिस पार्ट इज आल्सो एक्स। सो इट मींस इसका एरिया हो गया है आपका एक्स स्क्वायर, राइट। सो फॉर रेक्टेंगल, बिकॉज नाउ वी हैव टू ड्रॉ थ्री रेक्टेंगल्स, सो अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन रिजिड पॉलीगन। सो यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ थ्री रेक्टेंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं, सो हम वन टाइम में ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ हम हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं एंड देन कुछ हम वर्टिकली। सो 8 to 9, 9 to 10 एंड 10 to 11। सो यहाँ पर हमने जो लिया है पार्ट, ये जो है आपका दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस इज वन। सो वॉट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एक्स। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस वन इज ऑल्सो एक्स। सो नाउ वी हैव थ्री एक्स, राइट। सो वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर, कलर चेंज करने के लिए सेटिंग्स देन कलर, पिंक कलर हमने ले लिया है इसको।
इसके लिए भी हम कलर यूज कर सकते हैं, सो थोड़ा इजी रहेगा हमें समझने के लिए। मैम मेरा ना ये बाउंड्री तो कलर में हो रही है, लेकिन अंदर वाला चेंज नहीं हो रहा कलर का। सर बाउंड सर आप उसमें ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स एक बार आप चेक कीजिए। जब आप कलर पे करेंगे यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा होगा आपके पास, प्रीव्यू आप चेक कीजिए। प्रीव्यू में शायद आपकी सिर्फ बाउंड्री आ रही होगी, तो आप जो इनर पार्ट है उस पे क्लिक कीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्ट आई थिंक सेलेक्ट किया होगा उसमें सिर्फ बाउंड्री आपने सेलेक्ट की होगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम टू स्क्वायर्स भी क्रिएट कर लेते हैं। सो अभी आप लोग देख पाएंगे कि हम कैसे इजीली बच्चों को ये समझा सकते हैं। सो स्क्वायर्स सो दिस इज वन इंटू वन दैट इज टू, वन इंटू वन दैट इज वन एंड दिस इज ऑल्सो वन। सो वी हैव टू स्क्वायर्स। सो मूव ऑप्शन हम क्लिक करते हैं, मूव ऑप्शन पे। सो अब हम सभी फिगर्स को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यानी टोटल एरिया हम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू जो है टोटल एरिया ये बनाएंगे हम। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर आ चुका है, इसमें एक एक्स और जुड़ चुका है, सो थ्री एक्स हमें जोड़ने हैं। सो मूव पे करेंगे, इससे आपकी फिगर जो है इजिली मूव कर पाएगी। सो हमारे पास अभी एडिशन हो चुकी है एक्स स्क्वायर और थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स पार्ट हमारे पास आ चुका है। सो नाउ टू स्क्वायर्स ये आ चुका है एंड वन मोर स्क्वायर। सो टोटल हमारे पास जो एरिया हमारे पास आ चुका है, ये जो पूरा होल पार्ट है आपका, वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, राइट। सो ये जो थी आपके पास, कोई अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके मुझे बताएगा, ये हमारे पास टोटल लेंथ अब कितनी आ चुकी है। जी कोई बताना चाहे। एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, जी थैंक यू सो मच सर। तो ये पार्ट है हमारा एक्स एक्स प्लस प्लस वन। वन जी, एंड दिस पार्ट इज एक्स प्लस टू। गेट द सोल्यूशन। सो ये हियर वी गेट द सोल्यूशन की एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज फैक्टराइज इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, राइट। सो यस एक्स प्लस वन, इफ इट्स माइनस, यस वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि इफ इट इज माइनस, सो इफ इट इज माइनस हियर देन वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस जियोजेब्रा। तो उसके लिए भी हम थोड़ा फिगर्स को, सो इसको हम अंडू कर देते हैं ताकि हम आपको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू पार्ट भी क्लियर कर सकें। सो अब हमारे पास अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, राइट। सो फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमें स्क्वायर पार्ट में से थ्री रेक्टेंगल्स रिमूव करने हैं। सो थ्री रेक्टेंगल्स हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। सो वन रेक्टेंगल, नाउ सेकेंड रेक्टेंगल, आई एम जस्ट रिमूविंग थ्री एक्स, यानी मीन्स थ्री रेक्टेंगल्स रिमूव कर रहे हैं हम, और ये वन। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है यानी टू स्क्वायर जो है वो टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इट मीन्स हमें वन टाइम यहाँ पर ऐड करना होगा, वन मोर स्क्वायर था यहाँ पर। दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। सो मूव कर देते हैं, वो हमने ऐड कर दिया। तो आप अब आपका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर कौन सा है, ये जो येलोइश पार्ट है ये आपका रिमेनिंग पार्ट है।
यानी x² - 3x+2। तो ये जो येलो पार्ट है वो हमारा रिमेनिंग एरिया है। तो येलो पार्ट का कोई एरिया अगर मुझे बताए तो प्लीज, कोई अपने आप को अनम्यूट करके, अगर हम पेन का यूज करते हैं। तो ये जो पार्ट है जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये लेंथ आएगी हमारी, प्लीज कोई बता पाए तो, x-1 x-1। परफेक्ट, x-1 एंड एंड दिस वन इज, वन नो सर, दिस इज टू। यस, एक्स माइनस x-2 एक्स माइनस टू परफेक्ट, यस। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ फैक्टर्स x-1 एंड x-2। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल कि कैसे हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन या फैक्टराइज करी है एडिशन के लिए एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट? सो आई होप, मैम जी सर, मैम एक चीज और बताएंगे मैम। जी सर, तो नंबर सिस्टम में हम होता है ना, क्यूब्स के ऊपर क्यूब ब्रिक्स रखना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, और वैसे वाला क्या है यहाँ पे? पॉसिबल है कि जी हम सर, पॉसिबल ब्रिक्स है जैसे काफी एरिया? सारी। जी जी, तो क्या जी सर, मैं, यहाँ आप देख पाएंगे जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ऑप्शंस दिखाए थे, जो रिसोर्सेस दिखाए थे, उसमें रेडी टू यूज रिसोर्सेस थे। जब आप उसमें नंबर सेंस पे जाएंगे तो वहां पे ऑनलाइन वर्जन है, यानी बच्चों को आप लिंक जो है वो शेयर कर देंगे, तो वहां पे वो बच्चा एक्टिविटी बेस्ड रहेगा, बच्चा खुद ही उसमें टेंस वंस जो है वो आपके साथ जियोजेब्रा क्लासरूम में ऑनलाइन कर सकता है, लाइव कर सकता है। आप वहां पे बच्चों को वो रेडी टू यूज टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। तो आप पहले उनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, देन उनको एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। ओके मैम, क्या जियोजेब्रा में ही पॉसिबल है कि कोई और जी साइट सर, है वो? नहीं सर, जियोजेब्रा में पॉसिबल है, जो आपको रिसोर्सेज मैम दिखाए वो, गए थे। हाँ वहां पे होते हैं ना ऐसे, आपने आपको भी पता ही होगा, छोटी बुक्स में होता है अबाकस की तरह, जैसे एक पहले एक वायर होती है, उसके बीच में सर्कल होते हैं, इसमें एक है, जी तो वैसे अगर बच्चों को जी वो सर, इसमें मतलब अबैकस, डायरेक्ट बन जाएगा कि अबैकस मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा? अबैकस में सर वो देखना पड़ेगा अबैकस के लिए कि वैसे है या नहीं है, लेकिन टेंस वंस जो आप बता रहे हैं वो इसमें होगा नंबर सेंस में टॉपिक, लेकिन वो अबैकस फॉर्म में होगा, वो क्लियरली मीन्स सर चेक एक करना पड़ेगा। ब्रिक, फर्स्ट ब्रिक जो है मेंटर है ना, एक जी सर, दो को करेगा, करेगा 10 बन जाता है, फिर वैसे ही 10 होंगी तो वो 100 बन जाता है, तो ऐसा वाला फिर 100 100 के वो छोटी बुक्स में होगा। अगर हम कभी पेपर बनाते हैं ना बच्चों के लिए, तो वो जी जी भी उसमें बोर्ड में, तो क्या वो यहाँ पे पासिंग? सर, आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है, बट आपका सवाल मैं समझ पा रही हूँ कि आप बेसिकली चाहते हैं कि हम बच्चों को टेंस या हंड्रेड्स जो है बनाना पड़ता है आप लोगों को क्लासरूम में, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ जियोजेब्रा के थ्रू समझा सके। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है? ये पॉसिबल है, जियो जेब्रा में आप जितनी भी एक्टिविटीज चाहें नंबर से रिलेटेड या कुछ भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं सर। ओके, सो आई थिंक काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। सो इसी के साथ साथ हम थोड़ा वर्चुअल लैब्स भी देख लेते हैं, जो दीक्षा पे ऑलरेडी सिमुलेशंस हैं आप क्लासरूम में वो भी बच्चों को दिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी ये स्क्रीन जो है, मैम, अच्छा आई थिंक आप लोगों को, इसको अगर मैं अपनी कहीं पीपीटी में या अपनी क्लास में वैसे शेयर करना चाहूँ पहले जी बना के, सेव, तो कैसे जी सेव कर सेव, सकते हैं? जी सर, सेव के लिए भी मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। तो राइट हैंड साइड पे जो 3 लाइंस आप देख रहे हैं उस पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने पे यहाँ पर ऑप्शन आता है शेयर, यानी ये ऑलरेडी मैंने एक एक्टिविटी बना ली है, तो उसको मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो शेयर पे क्लिक करेंगे हम यहाँ, ठीक है? तो यहाँ शेयर में, यहाँ शेयर्ड ऑप्शन आता है, शेयर्ड पे जाएंगे। इसको टाइटल दे देते हैं हम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये सेव कर लिया है हमने। सेव करने के बाद, जी सेव करने के बाद आप देखेंगे शेयर के साथ साथ ही यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो चुका है।
जब मैंने शेयर ऑप्शन पे क्लिक किया था तो वहां पर ये लिंक भी बन गया था, यानी जो मैंने एक्टिविटी बनाई है उसका लिंक ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसे आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए यहाँ इस कॉपी करे हुए लिंक को अगर हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको अगर हम ओपन करेंगे, सो डायरेक्टली आप उसी पेज पे आ जाएंगे। आई थिंक ये प्रोसेस क्लियर है सभी को कि हम कैसे सेव कर रहे हैं या कैसे हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी सर, बच्चों को इसमें ग्रुप में अगर शेयर किया जाए तो बच्चे डायरेक्ट खोल पाएंगे इसको। जी सर, वो जुड़ जाएंगे। आपको अपना लिंक जो है वो शेयर करना होगा बच्चों के साथ क्लासरूम में, फिर उसी के साथ वो धीरे धीरे करके आपसे जुड़ जाएंगे क्लासरूम में। तो आप जैसे अभी एक्टिविटी समझाई है ऐसे ही आप समझा सकते हैं। उनको भी ये ऐप जो है अपना डाउनलोड करना पड़ेगा या बगैर डाउनलोड किए ही वो सब देख बगैर पाएंगे? डाउनलोड किए सर वो कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप जो बनाएंगे वो आप दिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, सो आई एम स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन एंड नाउ जो है, सो नेक्स्ट हम वापस उस पे चलते हैं कि जो वर्चुअल एप्स हैं रिक्शा पे। तो काफी सारी वर्चुअल एप्स हैं रिक्शा पे जो अवेलेबल हैं। वन मोर एक्टिविटी विद -X² सर, वन मोर एक्टिविटी हम जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, तो इसके साथ साथ हम थोड़े से सिमुलेशंस ऑलरेडी देख लेते हैं जो रिक्शा पे अवेलेबल है। सो रिक्शा पे जो अवेलेबल है उनके काफी फीचर्स हैं वर्चुअल एप्स के, ऑलरेडी आप लोगों को बताए गए हैं कि इसमें 2D 3D सिमुलेशंस हैं, फीडबैक आपको मिलेगा, सिमुलेशंस हैं जो कि रियल लाइफ एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं, और हर एक्सपेरिमेंट में आपको थ्योरी प्रोसीजर, एनिमेशन, वीडियो सिमुलेशन ये सब मिलेंगे। और ये सारे अवेलेबल रिसोर्सेज की लिस्ट है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये सारे ही टॉपिक्स जो है आप दीक्षा से ले सकते हैं, अपने क्लासरूम टीचिंग में यूज कर सकते हैं। एंगल एंड सेम सेगमेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, देन आप अपने खुद के रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी रिसोर्सेज जियोजेब्रा में ही बनाए गए हैं। सो इसमें से हम कुछ देखते हैं। सो दीक्षा पे जाने के लिए दीक्षा का होम पेज है, diksha.gov.in पे क्लिक करेंगे, आप टाइप करेंगे तो ये वर्चुअल ऐप का वर्टिकल आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस हम अभी करके देख लेते हैं, मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। तो वी विल टाइप diksha.gov.in। तो हमने ये टाइप किया, या आप सिंपल दीक्षा भी टाइप कर सकते हैं आप लोग। सो दीक्षा टाइप करने पे एंटर किया, सो दीक्षा जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पे क्लिक करेंगे हम। सो ये दीक्षा का होम पेज आ चुका है। सो ये दीक्षा के होम पेज पे जो डॉट्स आप देख पा रहे हैं, इन डॉट्स में दीक्षा के डिफरेंट बैनर्स हैं एंड वर्टिकल्स हैं, जिसमें वन ऑफ द वर्टिकल है जादुई पिटारा। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखेंगे ये निपुण भारत मिशन है FLM। तो लास्ट जो डॉट है वो है वर्चुअल लैब्स। सो लास्ट डॉट पे वर्चुअल लैब्स को ओपन करने के लिए हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। सो वर्चुअल लैब्स आपकी ओपन हो चुकी है। सो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है वर्चुअल लैब्स के बारे में, और ये कौन कौन सी क्लास के लिए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। आप देख पाए तो क्लास 6 में अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही कॉन्टेंट है, तो क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स और साइंस के एक्सपेरिमेंट है, क्लास 7 के लिए मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश है, क्लास के पास मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश है। तो क्लास 9 का मैथमेटिक्स का टॉपिक देख लेते हैं। सो मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे आप।
क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे राइट हैंड साइड पे ये टेबल आ चुकी है कि टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी जितना भी कंटेंट है, यानी लैब मैनुअल्स है मैथमेटिक्स की, वो सारी यहाँ पे उनके पीडीएफ्स अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई लैब मैनुअल एक्टिविटी करवानी है तो आप पहले उनका पीडीएफ देख सकते हैं या बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन के बाद, या उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इन्हीं टॉपिक्स में आपको सिमुलेशंस मिलेंगे, लेकिन सिमुलेशंस कहाँ होंगे ये आपको ऐसे चेक करने होंगे। तो इसमें जैसे हमारे पास ये टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन रिसोर्सेज है आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सिमुलेशंस मिलेंगे। तो हम एक टॉपिक ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के एक्सप्लेनेशन रिसोर्सेज पे जाकर क्लिक करेंगे आप, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक लिंक नजर आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप। आपके पास ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से रिलेटेड थ्योरी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका एक प्रूफ जो बच्चे नॉर्मली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखते हैं उसका प्रूफ भी यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर, ये नेक्स्ट जो टैब है उसमें प्रोसीजर जो बच्चा रियल लैब, यानी जब आप बच्चों को क्लासरूम में करवाते थे ट्रेपीजियम एक्टिविटी, तो बच्चा कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता था, ये दोनों ही स्टेप्स प्रोसीजर्स यहाँ पे गिवन है। इसके साथ साथ सिमुलेशन जब वो परफॉर्म करेगा उसको कौन कौन से स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए करना है, वो स्टेप्स भी सारे यहाँ पर गिवन है, यानी बच्चा पहले उन्हें पढ़ सकता है देन इसको सिमुलेट करेगा। सर चैट बॉक्स में सवाल है, माई क्वेश्चन इज पेंडिंग। जी सर, जी जम्मू मैम कश्मीर, जी सर बताइए मैम सर। एक्चुअली मेरा यहाँ पे नेटवर्क चला गया था, जिसकी वजह से मेरा वो मैं सुन नहीं पाया था कि आपने उसे जो मैंने बोला था नंबर सिस्टम के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, जी क्या वो हो सकता है कि नहीं, यस और जी नो, सर, इतना ब्रिक्स हो बताइए। सकता है, और ब्रिक्स वाला जो है सर मैं एक बार और चेक करके आपको शेयर भी कर सकती हूँ, मैं उसमें देख लूंगी आप ब्रिक्स। जी सर डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं एक बार ट्राई कर लूँ। जी थैंक सर, यू थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। सो ये प्रोसीजर गिवन है, देन एनिमेशन में आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी कि बच्चा सिमुलेशन को परफॉर्म कैसे करेगा, क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं, उसका एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है 2 मिनट्स का। एंड नाउ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सिमुलेटर। सो सिमुलेटर में हम देख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। सो इसी के साथ साथ मैं कोई भी वॉलेंटियर, मतलब जो इस एक्टिविटी की इंस्ट्रक्शंस रीड करके जो बताना चाहे ताकि हम इसको सिमुलेट कर सके, या आप लोग भी इसको ओपन कर सकते हैं, सिमुलेशन खुद से भी कर सकते हैं। जी कोई आना चाहेगा? जी सर, कोई जो इंस्ट्रक्शंस बताए और कैसे ही हम फॉलो करें, हम जान भी पाएंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों को भी क्लियर हो पाएंगी या नहीं। प्लीज कोई अपने आप को अनम्यूट करके, एनीवन कोई भी, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में से ही मैं किसी को। सो मैं चंडीगढ़ से मंजू मैम को देख पा रही हूँ, मंजू काली मैम। मंजू मैम आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, जी मैम, क्या आप ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं अपने साथियों के लिए ताकि हम लोग इस एक्टिविटी को, इस सिमुलेशन को या कंप्लीट आई कर कैन पाए? रीड इट, या यस आई मैम कैन रीड इट प्लीज। मैम। जी क्रिएट अ ट्रेपेजियम जी ए बी सी डी बाय बाय। प्रोवाइडिंग लेंथ ऑफ टू बेसिस एंड हाइट। सो इट मींस हमें यहाँ पर टू बेसिस की लेंथ जो है वो प्रोवाइड करनी है। सो मैम आप बताइए क्या लेंथ लेनी चाहिए, जैसे हमारे पास गिवन है 3 to 5, तो मैम आप बताइए। तो एंटर वन बेस वन लेंथ हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, देन एंटर द नेक्स्ट बेस लेंथ हम ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर तक लिमिट इन्होंने सेट करी है, एंड हाइट की लिमिट हमारी सेट करी है 3 to 7, सो हम 6 सेंटीमीटर हाइट ले लेते हैं। नाउ एनीवन एल्स, आई थिंक मैम का नेटवर्क इश्यू कुछ हो गया है।
मंजू मैम, मैम बीच में वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है मैम, अच्छा नेट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है मैम। अच्छा कोई बात नहीं मैम, जैसे आप बताएंगी हम थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे। मैम सेकेंड स्टेप इज, मैम एम आई ऑडिबल? यस मैम यू आर ऑडिबल। सेकेंड स्टेप इज एंटर द बेस ऑफ ट्रेपीजियम बिटवीन 3 to 5 सेंटीमीटर, जी दैट मैम, मीन्स वी कैन हमने टेक इट एज 4 सेंटीमीटर। जी जी मैम, वी हैव ऑलरेडी टेकन बेस, फर्स्ट की हमने बेस लेंथ ले ली है 4, ओके सेकंड की हमने मैम, 5 ले ली है एंड हाइट ओके हमने मैम, ले ली है 6, यानी हम या 4 स्टेप्स कवर कर चुके हैं एंड लास्ट जो स्टेप है इसका, दिस अब इज टू आप इंश्योर दैट द ट्रेपीजियम इज आइदर नॉट टू स्मॉल और नॉट टू लार्ज टू फिट इन द सिम्युलेशन विंडो। जी। सो नेक्स्ट, सो वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बोथ द बोथ द बेस, बेसिस कैन नॉट बी सेम इन अ ट्रेपीजियम, दैट मीन्स ओके बोथ द बेसिस शुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। यस एग्जैक्टली नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मैम, क्लिक ऑन द ड्रॉ ट्रेपीजियम बटन टू ड्रॉ द ट्रेपीजियम ऑफ गिवन डायमेंशंस। आई एम क्लिकिंग ऑन ड्रॉ ट्रेपीजियम, यस सो मैम, नाउ आर ट्रेपीजियम इज रेडी। ओके ओके। नेक्स्ट ओके सो नाउ नेक्स्ट मैम प्लीज रीड। स्टेप इज टू क्रिएट ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस विच इज रेप्लिका ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एबीसीडी ट्रेपीजियम, या सो वी विल गेट जस्ट रेप्लिका ऑफ दिस यस, ट्रेपीजियम। सो इज क्लिक दिस ऑन द इंटरेस्टिंग मैम? ट्रेपीजियम। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके क्लिक ऑन दैट ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस ट्वाइस टू रोटेट इट बाय 180 डिग्री। ओ सो माई आई गॉड, एम क्लिकिंग ट्वाइस, सो बेसिकली इट इज फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। या नाउ इट इज अ पैर, Now it यस is a parallelogram. So with the help पैरेललोग्राम। of this parallelogram, they are finding the area of a सो दैट trapezium. मीन्स बाय कंबाइनिंग टू ट्रेपीजियम ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस वी गॉट अ पैरेललोग्राम ए डी पी एस। Yes, exactly, ma'am. So we will also explain this observation in the inference part. So we have observation, area of trapezium ABCD is half of the area हाफ of ऑफ this एरिया ऑफ hole. पैरेलल, Yes. यस And what are the base length of this trapezium? This is DP, that is DC plus CP. या This दैट is विल बी what, yes, these are the base length of a trapezium. So it means नाइन। area of trapezium will be half into sum of parallel sides. हमारा सेशन थोड़ा सा बीच में ही हो गया, तो आप डेटा वाला जो पॉइंट उसके अंदर है आप फीचर वो आप अपने आप एक बार देख लीजिएगा। तो जो क्विज आप कंडक्ट करेंगे उसका डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा के बेस पे आप बच्चों को इनपुट्स भी दे सकते हैं कि किसने क्या आंसर किया है। आई एम सॉरी, मैं मेन सेशन के अंदर कंप्लीट कर रही थी अपनी लास्ट लाइन। मैंने बंद कर दिया कि तुम ऑन करोगे तो आवाज। मैम हमारा मैथ्स का जो ब्रेकअप रूम में थे हम, वो थैंक यू एग्जिट हो सो गए हैं मच। हम, वहां पे कुछ एक्टिविटी चल रही तो थी मैम। आपने अपने अपने सब्जेक्ट्स के सेशंस काफी एंजॉय किए होंगे, और यस बीच बीच में मैं ओके आ सर, रहा था ब्रेकआउट रूम्स में देखने के लिए, और काफी अच्छा चल रहा था सबका सेशन, और सारे पार्टिसिपेंट्स काफी एक्टिव थे, क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। तो मैं अपने सारे रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे सेशंस के लिए, और डिटेल्ड तरीके से आपने सारे टूल्स को बताया और सारे पार्टिसिपेंट्स को। सो थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे 15 मिनट में एक छोटे से टी ब्रेक के बाद। सो ज्यादा डिले ना करते हुए एक छोटा सा टी ब्रेक ले लेते हैं, और 3:45 पे, शार्प 3:45 पे हम सेशन दोबारा ज्वाइन करेंगे। यश पॉल सर ऑलरेडी टी इंजॉय कर रहे हैं।